हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप भी अपना वेटिंग टिकट रेलवे का इमरजेंसी कोटा से कंफर्म करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो इमरजेंसी कोटा के बारे में जानते हुए भी वो अपना टिकट कन्फर्म नहीं करवा पाते हैं, या वो आपातकालीन स्थिति में भी होते हुए वो अपना कन्फर्म सीट नहीं करवा पाते, क्योंकि उन लोगों को ये कन्फर्म करवाने का जो प्रोसेस होता है उन लोगों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इमरजेंसी कोटा में आप कैसे अपना सीट कन्फर्म करवा सकते हैं उसी प्रोसेस के बारे में आज सभी को बताने वाला हूं। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाए और आप भी इमरजेंसी रीजन में, इमरजेंसी कोई कारण, आप भी अपना टिकट कन्फर्म करवा सकते हैं। और एक बात आप लोगों को बता देता है कि इमरजेंसी कोटा में आपको एक से दो टिकट ही कन्फर्म होता है, उससे ज़्यादा टिकट कन्फर्म नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी कोटा से टिकट कन्फर्म करवाने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही इजी होता है। बस वो एक बार समझ जाने के बाद, जो नहीं समझते उनके लिए बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब वो समझ जाते हैं तो उन लोगों के लिए वो काफ़ी इजी हो जाता है। इमरजेंसी कोटा की सुविधाएं सभी ट्रेनों में होती है। इमरजेंसी कोटा को ही एचओ कोटा और वीआईपी कोटा कहा जाता है। सो दोस्तों, एचओ कोटा के द्वारा ही मैंने अपना खुद का पर्सनल टिकट इमरजेंसी कोटा से कन्फर्म, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 जून 2023 को हमारा एक बुकिंग है जिसका पीना नंबर आप देख पा रहे हैं, ट्रेन नंबर भी आप देख पा रहे हैं, 12331 हिमगिरी एक्सप्रेस में 6 लोगों का बुकिंग हुआ है। ठीक है, तो इमरजेंसी कोटा का रूल से नियम ये होता है कि आपका कम से कम एक से दो टिकट ही कन्फर्म होगा, क्योंकि इमरजेंसी रीजन के कारण आप अप्लाई करें इसीलिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा टिकट कन्फर्म हो चुका है हिमगिरी एक्सप्रेस में 12331, डेट आप देख लीजिए 3 जून दिखा रहा है। ठीक है, हावड़ा से लेकर जम्मू तक, जहां तक मैं आपको बताया था, इसमें देखिए टोटल 6 पैसेंजर शो हो रहा है। एचओ कोटा देखिए दिखा रहा है, थर्ड एसी एचओ कोटा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे कि इससे पहले मैं आपको जो पीना नंबर दिखाया था उसमें 6 पैसेंजर्स था, जिसमें मैं आपको बोला भी था कि कम से कम वहाँ पे जाने के बाद मेरे को बोला गया था कम से कम 2 सीट ही आपका कन्फर्म होगा। ठीक है, तो हमारा 2 सीट कन्फर्म हो चुका है, B1 में 17 नंबर और 18 नंबर। सेम इसी तरह से आप भी अपना वेटिंग टिकट कन्फर्म करवा सकते हैं इमरजेंसी केस में, इमरजेंसी कोटा और एचओ कोटा से, जैसे कि मैंने अपना करवाया। तो मैं अपना एचओ कोटा से टिकट कैसे कन्फर्म करें, इसका प्रोसेस क्या है, मैं आप सभी को बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपको हेल्प मिलता रहे। सो दोस्तों, एचओ कोटा इमरजेंसी कोटा से टिकट कंफर्म करवाने के लिए, वेटिंग टिकट कंफर्म कराने के लिए सबसे पहले आपको काउंटर वेटिंग लिस्ट या ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट आपको टिकट बुक करना होगा। इसके बाद आपको एक फॉर्म का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि आप फॉर्म देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें इमरजेंसी कोटा फॉर्म है ये, इसमें आप अपना ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, क्लास, मतलब किस रीजन से आप जा रहे हैं, क्या इमरजेंसी है, वो सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसके साथ में आपको एक रीजन लेटर लिखना पड़ेगा, जो उस लेटर में आप लिखिएगा कि आप क्यों, मतलब आपका क्या इमरजेंसी है, वो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। इसके बाद इस फॉर्म को आपको गेजेटेड ऑफिसर के पास लेके जाना होगा, जहाँ वो इस पर साइन कर देंगे और अपना मुहर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा होता क्या है कि आप मतलब आपके इलाका, मतलब आपका स्टेट या आपका डिस्ट्रिक्ट में जो भी रेलवे का जोनल ऑफिस होगा, ठीक है, आप वहाँ पर ये फॉर्म ले जाकर सबमिट कर दीजिएगा। अब जब वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको मतलब 2-3 ठो केबिन मिलेगा, जिसमें CCM, DCM और DRM ऑफिस, मतलब ऑफिसर लोग बैठता है। तो आप किसी भी ऑफिस में अपना फॉर्म आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से मैंने अपना वेटिंग लिस्ट टिकट को कंफर्म करवाया था इमरजेंसी कोटा से। तो दोस्तों, अगर जो नए लोग हैं जो जोनल ऑफिस के बारे में नहीं जानते हैं, वो अपना नियरेस्ट स्टेशन पर जाके स्टेशन मास्टर से बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टेशन मास्टर से बात किया था, लेकिन उन्होंने ये हमारा काम नहीं किया, तो फिर मैंने, उन्होंने खुद कहा कि आप टिकट कलर जो टिकट बुकिंग करते हैं उनसे बात करें। तो मैंने उनसे भी बात किया, तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले कहा कि आप सीनियर टिकट कलर से बात करें। तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने मेरे को, मतलब मेरा जो इलाका का जो जोनल ऑफिस है रेलवे का, वहाँ पे उन्होंने मेरे को एड्रेस दे दिया वहाँ का। तो मैं वहाँ पे जाके अपना फॉर्म, मतलब जो भी इसका प्रोसेस होता है, मैंने वहाँ से पता किया। इसके बाद मैंने अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करके गेजेटेड ऑफिसर सिग्नेचर करवा के वहाँ पे जमा किया। उसके बाद जिस दिन मेरे को जाना था, उसके मतलब ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले जब चार्ट लगता है, तो मेरा मतलब मैसेज आया कि मेरा 2 सीट कंफर्म हो चुका है। सो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरजेंसी कोटा, एचओ कोटा, वीआईपी कोटा सब सेम ही होता है। बस इसको कन्फर्म करवाने के लिए अगर आपको एक बार इसका प्रोसेस मालूम चल गया, तो आप कभी आप मतलब परेशान नहीं होइएगा कि मेरे को कैसे कन्फर्म करवाने का। इसका बहुत प्रोसेस ईजी होता है। बस काफ़ी लोग मतलब ऑफिस के बारे में नहीं जानते, चाहे वो सोचते बहुत झमेला है सब कन्फर्म वगैरह कराने में, लेकिन कोई झमेला नहीं है। आप इजीली आप कन्फर्म करवा सकते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके। सो आई होप कि आप सभी को हमारा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँच